Hello everyone, this is degeneracy problem in transportation problem. What is degeneracy problem? Here the allocation in basic feasible solution is less than m plus n minus 1. Jitni bhi value aayegi m plus n minus 1 ki rows aur column ko add karke minus 1 karne par utne allocation BFS mein nahi hote. Usi ko degeneracy kaha jata hai. To remove this, we allocate a small amount delta to one or more empty cells of the matrix having lowest cost cell if possible. एक मतलब जैसे l plus m plus n minus 1 आता है 6 और हमारा allocation 5 ही आए तो हम एक जगह पे अपनी तरफ से खुद एक बहुत ही छोटी सी value को substitute करते हैं. वो क्यों उसको क्या कहेंगे delta कहेंगे और वो कहाँ पे करेंगे सबसे छोटा सेल में जो सबसे छोटी कॉस्ट होगी उस जगह. लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, इसको और भी कहीं पे रखा जा सकता है. हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बात करेंगे. दस वी मस्ट अप्लाई द ऑप्टिमलिटी टेस्ट एंड ओमिटेड डेल्टा इन द लास्ट. फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते हैं, अगर वो ठीक होता है तो डेल्टा को हटा देंगे, पर जो बचा हुआ होगा वही असल में आंसर तो हमें पहले ही पता है, बस एक टेस्ट करने के लिए डेल्टा को इंट्रोड्यूस करते हैं. क्या मतलब है अभी बता दें. पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का, कि टू फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. इसमें कुछ खास बोलने को नहीं है, बस एक ही जगह पे बोलने को है. जब सेकंड स्टेप में शायद सब जगह पे 2 2 2, हाँ ये हर जगह पे वैल्यू 2 आ गई, तो मैंने सबसे छोटा एलिमेंट पकड़ा, उस पर जितना भी मैक्सिमम एलोकेट कर सकता हूँ मैंने कर दिए, और जो ये बचा उसको लिख के उसके बाद मैंने वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करने पर मैंने सब फिर दोबारा लिखा. ये मैं सब आपको होगा समझ तो आता है, ये ज़्यादा बोलने की बात नहीं है. करने के बाद ये आपका आंसर है. अब आप स्टेप 2 में आइए, इसमें 224 आंसर है, 220. यहाँ पे एम प्लस एन माइनस 1 6 होगा क्योंकि 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलोकेशन दिस वन 1 2 3 4 और सिर्फ 5. तो ये क्या हुई, ये डिग्नीरेसी प्रॉब्लम हुई. अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक जगह पे डेल्टा दे रहे हैं. फिलहाल मैंने देखा जो बची हुई वैल्यूज हैं उसमें कहीं एक पे एक और एलोकेशन होना चाहिए था, वो 6 5 10 है, 12 5 7 और 4 सबसे छोटा यहाँ पे 4 है. प्राइमरी तौर पर लगता है कि हम 4 में उसको डेल्टा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, वैसे जरूरी नहीं होता, हम 5 में रख सकते हैं, दो जगह पे 5 है वहाँ पे भी रख सकते हैं. फिलहाल अभी तो आप देखिए, अब यहाँ पे जरा लिखना रह गया है, यहाँ पे मैं ये एरो लगा रहा हूँ. यहाँ पे आपको दोबारा यही टेबल बनानी थी और उसमें यहाँ पे 5 4 के साथ एक आपको डेल्टा लिख के दिखाने था, वो रह गया वहाँ पे लिखने से कि साहब मैंने इसमें डेल्टा 4 के साथ ऐड कर दिया. तो ये एक स्टेप यहाँ रह गया, यहाँ आप टेबल जो है पूरी बना लीजिए. टेबल बनाइएगा और यहाँ पे दिखा देना पूरी सेम ऐसे ही बिल्कुल, बस यहाँ डेल्टा लिखकर यहाँ दिखा देना. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या करेंगे, कहिए यहाँ पे अब UI और VJ निकालेंगे किसके लिए, एलोकेटेड सेल के लिए. तो जो एलोकेटेड सेल की कॉस्ट एंट्रीज है 5 3 7 4 और 8, 5 3 7 4 और 8, और डेल्टा आपने लास्ट में जहाँ दिया था यहाँ, तो यहाँ लिखने से रह गया. आप यहाँ पे टेबल जरूर बनाएंगे ये वाली दोबारा, और यहाँ पे आप 4 लिख देंगे. उसके बाद हम सबसे पहले हर रो और हर कॉलम में, इसमें 2 एंट्रीज हैं, ये 2 एंट्रीज हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो मैंने इसमें 0 दे दिया. 0 देते ही 5 और 3 नीचे आ जाएंगे. अगर ये 7 यहाँ है तो इसकी हेल्प से, ये लिखा है C22 की हेल्प से, आप ये 4 निकाल देंगे. जब आप ये आ जाएगा तो इस वाले 4 की हेल्प से नीचे वाला निकाल देंगे. जब ये आ जाएगा तो बाकी बचा हुआ एक टर्म बचेगा, ये निकाल लेंगे. बार बार प्रैक्टिस करिए UI और VJ निकालने की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी. हमने भी यहाँ दोनों 0 माने थे, हम यहाँ पे भी मान सकते थे 7 और 4 के आगे तो भी निकाल आते, अगर 8 और 4 के आगे मानते तो भी निकाल आते. फिलहाल ये सब मानने के बाद अब आपको पता है क्या करना है. अब अनएलोकेटेड जो है वो इनको छोड़ के जहाँ जहाँ भी ये वैल्यूज भरी हैं, बाकी सबकी जो गिवन वैल्यू थी 6 है, मतलब जो कॉस्ट एंट्री है 6 5 10 12 और ये सब भर देंगे. और वही UI प्लस VJ आपको आता है, आपने UI प्लस VJ निकाला इसके लिए जो खाली सेल थे, यहाँ पे जो ये वाले खाली सेल थे, ये वाला
इसमें हमने वैल्यूज रखी। ये करने के बाद हमने इसका डी और निकाला, लेकिन डी निकालते बहुत भयानक घटना यहाँ पे घट गई, दो वैल्यूज निगेटिव आ गई, डी थ्री आई एंड डी थ्री टू दोनों जीरो से छोटे हैं, तो ये जो सोल्यूशन है अंडर टेस्ट इज नॉट ऑप्टिमल है। तब हम इसमें अब क्या करेंगे, डेल्टा को जहाँ हमने दिया था इसका मतलब वो सही नहीं है, वहाँ पे वैल्यू कहीं और दी जानी है, बस इतनी सी कहानी इसमें होती है। अब वो वैल्यू मैं कहाँ दूँ, ये जो निगेटिव आए हैं उन्हीं में से किसी एक में पहले हम डेल्टा को दे दें। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, ये कॉस्ट एंट्रीज थी टेबल की, तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं 5 को डेल्टा दे देता हूँ। 5 को डेल्टा देते ही पहले डेल्टा मैंने इस जगह पे दिया था, अब मैंने यहाँ दे दिया, मैंने टेबल लिख दी। तो अब मैं दोबारा यूआई और वीजे निकालूंगा। अब इसमें मैंने देखा कि इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यूज गिवन है, तो इसको जीरो करूंगा। इसको जीरो करते ये तीन वैल्यूज आ गई, 3, 7 और 5, और बाकी आपने तीन निकाली, मैंने ये कैलकुलेशन करके दिखाई। अब हम इसमें जो अनएक्युलेटेड या खाली वाले जो बॉक्सेस हैं उसके लिए यू आई प्लस वीजे निकालेंगे। लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे जो गिविन वैल्यूज हैं वो भर दी थी, ये यू आई और वीजे हमने सब में यहाँ निकालते हैं, और नीचे डी आई जे निकाला, वो हर जगह पे पॉजिटिव है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है आंसर वही है 224। डेल्टा का कोई खास रोल नहीं है, सिर्फ डेल्टा हमने लगा के ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाना होता है और कुछ नहीं करना। हो सकता है मैं शुरू में ही डेल्टा को 4 की जगह ना यहाँ लास्ट में लिया था, यहाँ ना लेके मैं अगर यहाँ ले लेता यहाँ पे इस जगह पे, तो शायद मेरा माइनस आता ही नहीं, पहली बार में आंसर आ जाता। आंसर के बहुत से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैंने लिख भी दिया है, इन द स्टेप सेकंड यू मे टेक डेल्टा एनीवेयर एज यू प्लीज, जहाँ पे चाहे वहाँ रखिए, बस ये ध्यान रखिए कि वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो आप वैल्यू छोटी हो आपके यहाँ पे क्या हो, कुछ जगह तो 10 है और 12 है वैल्यूज, तो 10 और 12 पे तो नहीं रखेंगे। हाँ ये है कि 4 ना सही, 5 लिया जा सकता था, 7 लिया जा सकता है, 6 लिया जा सकता है, जो खाली जगहें थी वहाँ पे ये अगर मैं हाँ लिया जा सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो इन द बिगनिंग यू मे टेक डेल्टा एट 3, 2 और 1, 4 पे विच हैज बोथ द कॉस्ट 5, बट हम नहीं ले सकते 3, 3 और 3, 1 पे, क्योंकि उनकी वैल्यूज 12 और 10, जाहिर सी बात है वो बड़ी वैल्यूज थी 5, 5 के, भला 5 को और 4 को या 6 को छोड़ के कौन 10 या 12 पे रखे, कुछ खास नहीं था, सब वही करना है वोगल्स मेथड में। अगर एक वैल्यू कम आती है इसमें, जैसे यहाँ पे आपकी एक वैल्यू कम आई थी एलोकेशन में, वैल्यूज आई 5 और होने 6 चाहिए थी, इसमें दिखने जैसी प्रॉब्लम थी, किसी एक जगह पे आपकी मर्जी है जी कहाँ रखेंगे, या आपकी किस्मत कि आपने कहाँ रखा और निगेटिव आना है कि नहीं। अगर यहाँ पे रख दिया है तो आ रहा है, ये तो बाद में पता चला ना सॉल्व करके, वरना तो मैं छोटी वैल्यू पे रखूंगा, लेकिन कभी कभी बोल्ड स्टेप भी ले लिया जाता है, आप 5 पे भी रख सकते थे यहाँ या यहाँ। खैर अब तो फिलहाल यहाँ रखा था, उससे वो गलत हो गया, उससे निगेटिव आ गया, जहाँ निगेटिव आया मैंने उसी जगह पे दोबारा डेल्टा लिया, तो उसमें छोटी वैल्यू को लेना, एक 5 है एक 7 है, तो मैंने इसको बस वो लेने से जो दोबारा चेक किया तो मेरे सारे डी जो है वो पॉजिटिव आ गए या 0 आ गए, नहीं आंसर। इसके सॉल्व एग्जांपल भी हैं, तो वो देखिएगा। अगले वीडियो में मैं अनबैलेंस प्रॉब्लम की बात करूंगा, ज़्यादा काम नहीं करना है इसमें, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये तो एमएससी में भी आता है दोबारा, तो इसलिए हमें आपके एग्जाम में ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाला है। बस आप हर मेथड के 2, 2, 3, 3, 4, 4 क्वेश्चन कर लें, फिलहाल एक ये करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं 1 या 2, और मैं भी लिख दूंगा व्हाट्सएप पर, और 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन वो बाद में, पहले आप इसको